चाहते जरूर हैं लेकिन कोई स्थिति नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। अभी देश के एक बड़े मीडिया हाउस ने सर्वे किया और उसमें पाया कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई है तो राहुल गांधी है, नीतीश कुमार को तो दूर दूर तक कहीं नाम नहीं। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि मुझे कन्वेंशन भी नहीं बनना है। देखिए, अपने समर्थकों से नारा लगवाते हैं, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, इच्छा तो सब कुछ है लेकिन वो तो उनके सपने को लालू जी ने ही चकनाचूर कर दिया। लालू जी ने तो राहुल गांधी को दूल्हा घोषित कर दिया पिछली बैठक में। अब लालू जी क्यों चाहेंगे कि नीतीश कुमार संयोजक बने या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने? वो अपने सहयोगी दल को क्यों मजबूत होते हुए देखना चाहेंगे? अगर कल नीतीश कुमार मजबूत होंगे तो लोकसभा चुनाव में ज्यादा टिकट मांगेंगे। अभी उनके 44 एमएलए हैं, उनको 10 लोकसभा से ज्यादा की सीट नहीं मिल सकती है और कन्वेनर बन गए तो दबाव बनाएंगे 15-16 के लिए। तो लालू यादव क्यों चाहेंगे और फिर कांग्रेस क्यों चाहेंगे? लालू जी तो कह दिया कि कोई एक कन्वेनर नहीं होगा, दो दो तीन तीन राज्यों को मिलाकर कोई एक कन्वेनर होगा। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश जी को कन्वेनरशिप मिलता भी है तो उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये उनके लिए अपमानजनक होगा। और वो चाहते जरूर हैं लेकिन कोई स्थिति नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। अभी देश के एक बड़े मीडिया हाउस ने सर्वे किया और उसमें पाया कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई है तो राहुल गांधी है, नीतीश कुमार को तो दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था। उनसे ज़्यादा तो ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल लोग चाहते थे कि वो विपक्ष के उम्मीदवार बने। और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में भी अंतर 50 पॉइंट का अंतर है। तो इसे देखिए, कोई घोषित हो जाए या ना घोषित हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2024 में लोगों ने मन बना लिया है, लोग कोई कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं, कमजोर सरकार नहीं चाहते हैं। लोग एक मजबूत प्रधानमंत्री, एक मजबूत सरकार चाहते हैं।